बता रहा हूँ ध्वज ध्वज है दमदार बेड़ा पार। आपकी छड़ी से कितने सर फोड़े आपने? आपकी छड़ी से कितने सर फोड़े आपने और कितने दिल जोड़े? और बाबा कैसे हो आप? कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे पाक साबिर पाक। यहाँ कैसा लगा आपको? यहाँ कैसा लगता है? यहाँ तो सरकार की ज़्यारत है। अच्छा, राधा भंडार की ज़्यारत है, दरबार की ज़्यारत है, मौला का नाम पेश करने है। तो आप कलंदरी हैं क्या? आप मलंग हैं? मलंग मलंग हैं आपके? कलंदरी कलंदरी है। शरीर बंद मने शरीर बंद रफाई रफाई। तो कौन से नाम दिलाना है? फिरोज शाकिर नमनार। फिरोज शाकिर नारा लगा ऊपर करो भाई, ऊपर करो, करो पर हाथ लगा। आप कहाँ से आए? मैं बम्बई का हूँ। बम्बई में क्या करते? जी मैं फैशन डिजाइनर हूँ, मैं राइटर हूँ। बाकी जो वीडियो जो तुमने बनाई जी, किस नाम से बनाई? किस नाम से? शाकिर। यूट्यूब पे जाएंगे। हर साल वीडियो बनाते हैं आप? हर साल अलग अलग नाम से डालते हैं? बिल्कुल नहीं, वो टाइटल अलग अलग होता है। अच्छा, अब समझे नहीं, अगर मैं रफाई का शूट करूँगा तो उसमें मलंग नहीं लिखूँगा, उसका रफाई लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जाएंगे मेरे YouTube पर, मेरे 2300 वीडियो है, लेकिन सब अलग अलग है। मैं शियाइज़म शूट करता हूँ, हिंदुइज़म शूट करता हूँ, सूफीज़म शूट करता हूँ, अजमेर शरीफ और क्या नाम मखदूम शाह बाबा बम्बई, मखदूम शाह बाबा हाजी बम्बई, मखदूम बाबा माहिम, माहिम, वो सब है। और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का तकरीर, आप लोगों का सब पता, लोगों को पता चले कि आप लोग को सबसे बड़ी चीज़ जो आपको चाहिए वो है अमन। आप ना दिलों को जोड़ते हैं, आप सर फोड़ते नहीं, आप बम नहीं फोड़ते हो। तो मैं ये चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये लोगों को पता चले कि आप हिंदू मुसलमान सबको एक लेके चलते हो। एक सवार और बोलो, और आप इसके अलावा क्या करते? इसके अलावा मैं भीख मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ। मैं मजमेर दादा मदार का सदका, अजमेर शरीफ में ऐसा दादा मदार से मांगते, कुतुबुल मदार से, मखदूम सैयद अलाउद्दीन देता है छप्पर फाड़ के, हाजी अली में भिखारी, बहुत बड़े बड़े दरबारों के भिखारी, हाजी मलंग के भिखारी। दिस इज बशारत बाबा, ही इज ऑल्सो नोन एज फौजी बाबा, ही वॉज अ कमांडो इन द इंडियन एयरफोर्स एंड ही इज टेकन दिस, ही इज बिकम अ मलंग एंड ही इज द प्राइड ऑफ मक्खनपुर। अब आप बताइए वो कश्ती के बारे में, ही इज ऑल्सो नोन एज कश्ती वाले बाबा। छुपो ना। सरकार तो आलम सल्लम ने भेजा सरकार मदारुल आलमीन को हिंदुस्तान की सरजमीन पर, तो सरकार मदारुल आलमीन एक कश्ती के सवार थे। कुछ जालिम लोग ऐसे बैठे हुए थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। सही, तूफान उठा, कश्ती पासों पास हो गई। जिस तख्ते पे एक अल्लाह का वली बैठा था वो मछली बन के हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस पार किया। वो कश्ती और वो तख्ता ज़माने से चला आ रहा, वो कश्ती नूह है, सफात करने का निजात है, कश्ती नूह कहते हैं उसको। वो कश्ती कम से कम 100 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी, और सरकार मदारुल आलमीन के साथ में आई थी, और मेरे दादा अरगुन रहमतुल्लाह अलैह शहजादे पे बैठते थे। तख्ते नसीर होते थे दादा अरगुन रहमतुल्लाह अलैह, और दादा फंसूर कश्ती को लाते थे, और उस ज़माने से लेके अभी तक
सैयद अली बहादुर जाफरी मदारी उठा रहे हैं। उस कश्ती में कलाम पाक है सरकार मदारुल आलमीन के हाथों की लिखी हुई और अर्धातिक कश्ती है जिसकी कीमत इस वक्त कम से कम 70 करोड़ रुपए की होगी। एक बात बोलूँ, आप बुरा ना मानिएगा, मैं तो बम्बई में रहता हूँ, मैं तो जुम्मा मतलब मासूमी अली बाबा को मिला था मैं 2005 में। 2011 में किसी को कोई गोरा जो मार्क है बेल्जियम का, उसको मलंग बनना था, सुनिए सर 2 मिनट। तो वो छड़ी लेके उन लोग आते हैं और वो मेरे से कहा कि उसको मलंग बनना है, तो मैं बोला मैं तो नहीं जानता किसी मलंग को, और तुम छड़ी जिनके साथ ला रहे हो उनमें से किसी को मलंग बना लो ना अपना पीर, मैं कहाँ से तुम्हारे को मलंग बनाऊँगा, मैं तो मलंग सिलसिला ही नहीं है मेरा। तो मैं उसको लेके गया मासूमी बाबा के पास, मैं बोला मासूमी बाबा ये गोरा है इसको मलंग बनना है, तो बाबा ने पता नहीं कौन सा जुनून था क्या था, वो बोले तुम बना दो। मैं बोला मैं तो मलंग नहीं हूँ, मैं कैसे बनाऊँ। तो मैं फिर समझा, मैं समझ गया, मेरे को अक्ल थोड़ी कम आई, मैंने कहा बाबा एक काम करो प्याला दे दो, मैंने प्याला पिया, मैं मलंग बना और फिर उसको किया। आज ना सब गोरे इधर आते हैं, आपको बता रहे हैं, ये आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोग का इखलाक है। आज कितने लोग मुझको बोलते हैं भाई मलंग लोग के बारे में बताओ, जितना होता है ये वीडियो वगैरह मैं लेता हूँ ताकि लोगों तक आपका जो पैगाम है मोहब्बत का और यकीनन आपकी सादगी का और आपकी मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें जो इधर जुड़ी हुई, मैं चाहता हूँ सबको पता चले। अब मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं हमेशा अब सुन लीजिए बहुत गौर से, मैंने जब भी फ़ोटो डाले, मैंने अखिलेश यादव साहब को जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा अखिलेश यादव साहब आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपका फादर चीफ मिनिस्टर था, आपने मक्कनपुर के लिए क्या किया है, सुनिए आप पूरी बात सुनिए। मैं नेता नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे को तो मक्कनपुर में घर बनाना नहीं है, लेकिन जिन जो यहाँ की विरासत संभाले हुए हैं, यहाँ प्रॉपर रास्ता नहीं है, यहाँ होटल रहने के लिए नहीं, मेरे गोरे दोस्त लोग आते हैं ना वो बेचारे रहते हैं कन्नौज में जाके 1400 रुपये एक रूम का देते हैं, तो मेरे को लगता बहुत है। तो मैं ये कहता हूँ आप चीफ मिनिस्टर फिर से बनो, लेकिन कम से कम इस जगह को ऐसा बनाइए कि लोग इसको भी एक अजमेर समझ कर आए, निज़ामुद्दीन औलिया समझ के आए, ये तो उनसे भी पुराने हैं। तो मेरे को दिल में ये बात बहुत खटकती है। आप सब मिलकर दुआ करो, मेरे हक में मैं वही कर दूंगा जो चाहते हैं। अब आप समझ गए, जो मेरा इधर आने का मतलब है वो ये है कि आप लोग का कम से कम ये जो जगह है सब आए इधर, यहाँ नेता खाने वाले हैं करने वाला कोई नहीं है, सब नेता वैसे आप कहीं नहीं, सब नेता ऐसे। मैं ना आपको बता रहा हूँ, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उसमें बीजेपी का प्रेसिडेंट रहता है, आपको मालूम है आशीष शेलर, मैं जिनके कपड़े बनाता हूँ उनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, वो बीजेपी के बहुत बड़े ही है। मैं दिल में यही आता है कि क्यों नहीं इस जगह को, मतलब ये जगह इनको पता है, सबको नहीं पता, बुरा ना मानिएगा जो बाहर के हैं। अब जाके मेरी तस्वीरें देखने के बाद कई लोग अब कल आपको पता है बोएज आया अमेरिका से, लॉरेंट आया फ्रांस से, और भी बोलते हैं मेरे को, मैं नहीं ला पाता हूँ इन लोगों को, इसलिए उनको संभालेगा कौन यार, एक दो को अपन संभाल सकते हैं। ये जिम्मेदारी आप हमको हमारे ऊपर डाल दो, रहने की और खाने की, आप किसी को लाओगे इंशाअल्लाह ताला रसूल के सदके तो बोले मैं खाने पीने से मैं कानपुर से गाड़ी लेने जाएगी और कानपुर वो आएंगे। और अभी एक और बात सुनिए, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त, एक बात कह रहा हूँ, डॉक्टर इंतकाब आलम जाफरी है जी, उनका फ़ोन आया मुझे, बोले फिरोज भाई ये बार आप आओगे ना आप कहीं मत रहना मेरे यहाँ रहना, आप यकीन मानिए इधर बैठा हूँ आपके साथ, अभी तक इंतकाब आलम साहब को फ़ोन नहीं किया, ये नौशाद है इनका बाप लियाकत अली, वो उनके साथ रहता हूँ मैं, अभी ये गोरे लोग ने रूम लिया, बोले फिरोज भाई उधर आके रहना बहुत आराम है, बोले नहीं आराम मेरे को इधर है। तो क्या है अपनी खुश है अपने को रहने के लिए भी खाने के लिए भी। Thank you.
सबका मुंडन करे साथ में खड़ा करिए साथ में खड़ा करिए साथ में वेलकम टू द सूफी ऑर्डर ऑफ मदरिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्डर्स अ वेरी पीसफुल ऑर्डर एंड दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वेरियस सूफी ऑर्डर ऑफ मदरिया मदरिया इज डिवाइडेड इनटू फोर There is Askan, there is Divangan, there is Taliban, and there is Khademan. And the Urus, and they've all come here for the Urus of Zinda Shah Madar, Qutbul Madar. And here you will see peace, you will see love, you will see hope, you will see harmony, and you will see. You will see the world of the Malangs. The meaning of Malang is an ascetic or a holy monk, and the Malangs are divided into various. There are married Malangs, and there are Malangs that are celibate. The celibate Malangs grow their hair, that is known as dreadheads. They have long hairs. This is about 20 feet, 30 feet, whatever. I thought you should know about the Malangs. This is Iqbal Baba, one of the most beautiful human beings I've ever met. He loves everybody. He feeds about 500 people every day. One time? No. He feeds them breakfast, lunch, dinner, thanks to Zinda Shah Madar. This is Mustaqim Baba. He walks from Delhi to Ajmer. They walk with the standards. And it takes about 13 to 15 days. They reach Ajmer and the Urus starts. And all of these people are the Masoom Ali Baba. He's from Bombay. He and I go a long way back. This is Liaquat Ali Baba, a very dear friend, a dear brother. भाई बन रहा है आई डॉक्यूमेंटेड द रफाइज फॉर 20 इयर्स एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग द दमदार मलंग्स आई एम डॉक्यूमेंटिंग द मदरिया सूफी ऑर्डर द ओल्डेस्ट ऑर्डर एंड These are the Malangs. And this is my great friend from Kashmir. He has also taken up Sufiana Mijaz. And he's invited me to come to Kashmir. Inshallah, most welcome. So, you know, what I find out here is, and these are the helpers. They are the helpers of the holy saint Badiuddin Shah Madar. They feed the people and
बताइए साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह करम मगारे बाप का तो सूरे पूरे मुश्किल का। आपको देख के, अमीन बाबा को देख के, आप सबको देख के दिल के अंदर एक ख्वाहिश होती है सुकून की, सादगी की, समझ गए? आपका जो पैगाम है ना, बहुत गहरा पैगाम है। आपका जो पैगाम है मोहब्बत का पैगाम है। आपका जो मिजाज है ना वो मोहब्बत का मिजाज है। आप समझे ना, आपका मिजाज समझने के लिए ना इंसान को पहले आंखों से नहीं, दिल से, दिल में उतरना पड़ेगा, तब जाके पता चलता है कि मलंग क्या है और मदरिया सिलसिला कितना पुराना है, उसका वजूद क्या है, वो सब आपकी आंखों से टपकता है। आप अगर बात नहीं करें फिर भी हमको इल्म हासिल होगा, आपकी खामोशी का इल्म हासिल होगा, समझे आप? थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताइए ना कि आपकी पैदाइश हुई है 1939 में। जी हाँ, 1939 जी, मैं बता रहा हूँ ना। आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं तो सुन रहा था सिर्फ जो बातें कर रहे थे। हमारे मदारे पाक की देन है। नहीं, आपका मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी मोहब्बत जो है आपको आपके देश की है, आपके वतन की है। हुब्बुल वतन मिनल ईमान। सही है। मजहब और मिल्लत से बढ़ के वतन है। सही। मजहब और मिल्लत से बढ़ के वतन है। वतन नहीं तो कुछ नहीं है। हम धर्म के पुजारी नहीं। धर्म का जो पुजारी होता है ना, सुनिए आप जरा, धर्म का जो पुजारी होता है ना वो बटवा लेके घूमता है, और बटवा घूमता है, लेके घूमता है, बंटवारा करता है। हम जो हैं और आप हैं, हम अमीन बाबा जो, हम लोग का मकसद अलग है। हम सिर्फ मानवता के पुजारी हैं। हम सब समझ गए साहब। जैसे अभी मैंने भाई को, बहन को एक आपने पढ़ाया था, मैंने राष्ट्रीय गीत, बनेंगे हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, बनेंगे हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, उठाकर मानव धर्म का झंडा करेंगे उत्थान भारत का, पहनकर गले में शील की माला, पहनकर गले में शील की माला और ज्ञान की कफनी, पग डगर त्याग का झंडा रखेंगे मान भारत का, जमा कर साधु संतों और फकीरों की टोली करेंगे उत्थान भारत का, रगों में रक्त भारत का, स्वर में आन भारत की, मेरे मय का कारण मेरे स्वर्ग का साधन यही है साबिर उत्थान भारत का, जय हिंद जय भारत। ये जो धर्म का अलग अलग बंटवारा है इसके ऊपर ये है कि प्रार्थना तेरी है तू ही मुरारी है, प्रार्थना तेरी है और तू ही मुरारी है और सारा जगत तेरा ही पुजारी है, ईश्वर अल्लाह राम भगवान एक है, नाम उसका करोड़ों और हजारी है, जिसको जिस नाम में संतुष्टि मिली, जिसको जिस नाम में राहत मिली, उसने उसी नाम का सुमिरन किया, उसी नाम का माला जपा और उसी नाम के अंदर मन के दर्पण में उसका दर्शन हुआ, मन के दर्पण में उसका दर्शन हुआ। हम भी शाम को निकलेंगे। कहते हैं कि जीनते दुनिया बनाने का खत्म हुआ काम, खुद दुनिया देखने आया रखा मोहम्मद नाम, अल्लाह नूरु समावाते वलर्दे फी सितते अय्याम, जीनते दुनिया बनाने का खत्म हुआ काम, खुद दुनिया देखने आया रखा मोहम्मद नाम। और वैसे मेरे दीवाने हम तो कहना है नो नॉलेज इज आउट कॉलेज क्या
हमारे सबसे बड़ी नॉलेज माँ की कोख से आती है। बस 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 मौलाना क्या सिखाएगा जो अपनी माँ ने नहीं सिखाया। और जब माँ का दूध पिया ना तो समझ लीजिए उसमें इस्लाम इस्लाम सब आ गया। उसी में असर है, माँ के दूध के अंदर ही असर है। और आज जो ये बात कर रहा हूँ मैं और आप ना, ये माँ का दूध बात कर रहा है। जी हाँ बेशक, इसमें कोई शक नहीं। हमारे को मौलाना क्या सिखाएगा जो हमारे माँ बाप ने, माँ ने अपनी कोख में नहीं सिखाया। हमारी अंगड़ाई, हमारी हमारी बेचैनी, वो सब हमारी माँ दूर कर देती है। और देखिए जिसको हम माँ कहते हैं उसको दुर्गा भी कहा जाता है, उसको काली भी कहा जाता है, उसको मरियम भी कहा जाता है, उसको जैनब भी कहा जाता है, उसको फातिमा भी कहा जाता है। तो माँ का रुतबा सबसे बड़ा रुतबा है साहब। देखिए कहा गया है कि नाम औरत है तेरा, नाम औरत है तेरा, मर्द की दमसाज है तू। नाम औरत है तेरा, मर्द की दमसाज है तू, अहले दानिश जिसे न समझ पाए वो एक राज है तू। बहुत खूब बहुत खूब। जी जी सलाम अलैकुम। दिस इज सैयद साहब। दिस इज सैयद साहब एंड ही लिव्स इन मक्खनपुर एंड मक्खनपुर इज द होली श्राइन ऑफ जिंदा शाह मदार। ही विल बी स्पीकिंग इन उर्दू बट ही इज रिलेटेड टू जिंदा शाह मदार साहब। अब आप बताइए जिंदा शाह मदार का और आपका क्या कनेक्शन है? हमारा कनेक्शन ये है कि हम आपकी औलाद में से हैं जी, और आपके भतीजे दादा अर्गुन, दादा फंसूर रहमतुल्लाह अलैह, दादा तैपुर रहमतुल्लाह अलैह जी, उससे हम लोग तीन दिन और आदमी से हम लोग जी। और बताइए कुछ मक्खनपुर के बारे में। और मतलब सरकार जो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं 282 हिजरी में जी, आपकी 242 की पैदाइश है जी, और 282 हिजरी में आए जी। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा अच्छा मरकज़ है, आप लोग बड़े अच्छे। सैयद साहब गिव्स मी फूड एंड एवरीथिंग, आई एम लिविंग हियर, लियाकत अली बाबा हैज़ ब्रॉट मी हियर। बट सैयद साहब मेरे को दुख तकलीफ इस बात की थी, 3 साल से मैं लगातार मक्खनपुर आ रहा हूँ लेकिन मैं देखता हूँ इस मरकज को कोई किसी ने अच्छा बनाने की कोशिश नहीं की। आपके नेता लोग क्या सो रहे हैं क्या? यहाँ के नेता कुछ नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए ना। देखिए एक बात सुनिए, ये मरकज जो है ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मरकज सब कुछ छूता है, ये मरकज हिंदुओं को भी छूता है, सब कुछ छूता है और इस मरकज से मिलता है, इस मरकज से बहुत कुछ मिलता है। तो मेरी दिली दिल दुआ यही रहती है कि आप लोगों का घर आबाद रहे। आपने तो मेरा बहुत ख्याल किया है और आपके बच्चे, आपकी जितनी भी बच्चियाँ हैं सब मुझे बहुत, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत, तो आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में थोड़ा ऐसा कुछ हो जाए कि अभी देखिए आपके घर में कौन रह रहा था आपको पता है, बाहर के सब फोटोग्राफर रहे। अब वो चाहते हैं तो वो कन्नौज में भी रहते, आपका घर उनको इसलिए लगा क्योंकि आप अपने वाले और आप मोहब्बत ही हो, आप अहले हुसैन हो, आप अहले रसूल हो, आप अहले अली हो, मतलब ये हिसाब है हमको ये बात। और ये बसंत पंचमी का जो मेला होता है उसके बारे में कुछ बताइए। सरकारी मेला होता है अच्छा, जैसे अभी है 25 फरवरी से शुरू हुआ था जी, और 25 जनवरी से शुरू हुआ और 11 फरवरी को ख़त्म हो गया। ये सरकारी मेला होता है, और ये जो मेला होता है मेला है मलंग लोग, ये मलंग, हाँ ये। और बाकी साहब आपके कौन लगते हैं? बाकी साहब हमारे साले लगते हैं। अच्छा वाह, बहुत जी, आप बताइए उनके बारे में। हाँ उनके बारे में, बाकी साहब हमारे जो हैं हमारे साड़ू भी हैं और साले भी हैं, कैसे उनकी पुपी की लड़की हमें भी आएगी और इनके मामू की लड़की उनको भी आएगी, क्योंकि हमारे साले भी हैं और हमारे साथ बहुत अच्छे। हमने बकरी साहब हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, उनको बहुत मानते हैं और हम आपसे क्या बताएंगे, बकरी साहब हमारे दिलों को छूते हैं। आज हम आते हैं ना तो बकरी साहब हमारा बहुत अच्छा, हम तो बस हम बड़े खुश हैं आपके इधर आते हैं साल में एक बार। हम चार लोग हमसे पूछते हैं जी कि मक्खनपुर के बारे में, तो हमने आज सोचा
कि आज मक्खनपुर के बारे में हम क्या बताएं, हम तो बंबई वाले हैं। हमने कहा सैयद साहब से बात के मुंह से लफ्ज से निकालते हैं, और हम चाहते हैं कि जिंदगी में आप लोगों का बहुत बहुत तरक्की हो, और सैयद साहब आप जैसे और सैयद साहब पैदा हो, आपके बच्चे में आपकी जो मिसाल है वो आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, और आप आपका ख़ानदान आबाद रहे, खुशहाल रहे। और हम आपसे सच बता रहे हैं सैयद साहब, आप जो रात को मुझे खाना देते हो, अरे वो हर वक्त आप चाय नहीं, नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं बहुत आपने मैं सच बता दूँ, मुझे मैं ना आज आपसे एक बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ। आने वाली बात मत बताइए, पहले आप मेरी बात सुनिए। तीन दिन हो गए, क्या दिन खाना देने वाला हुआ है हुजूर, मेरी बात तो सुनिए। तीन दिन हो गए मेरी बीवी से मैंने बात नहीं की, क्योंकि आपने मेरा घर वर सब भुला दिया, मैं अपना आपके घर को अपना घर समझ रहा हूँ। The greatest personality of Makhanpur, the king, they call him Shahenshah, they call him everything. He is the most beautiful human being, he is the head of the Malans, he is the Gaddi Nashin, he is everything over here, and nothing moves without him. जी। Everybody wants to know what is a Malang. Malang बात की बात है, पहले इनके इनसे इंट्रोडक्शन दीजिए। सिलसिला मदरिया के ये हकदार है, बेशक इनका इनका हेरिटेज है, इनका बैकग्राउंड है, इनकी एंसेस्ट्री है, ये इनका खानदान है जी। और हुजूर अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लोग जो आप मैं बता रहा हूँ, चिश्तिया है, कलंदरी है, रफाई है, ये सब है। बम्बई की बात करो, आईलैंड की बात करो, मदरिया के बारे में बहुत कम लोग समझ आया है। और सबसे ज़्यादा लोगों को लगाव इससे है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेट पे हूँ, लोग बाहर से फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका बड़े क्यूरियस है, क्योंकि क्या आपका जो सिलसिला है ना, मेरे हिसाब से नंबर वन, क्यों, क्योंकि क्या है ना, आपका जो पैगाम है ना वो अमन का है, और आपका जो सिलसिला है ना, आज मैं उन पर कह रहा हूँ, आपका सिलसिला देता है, लेता ही बेशक बेशक आपका सिलसिला देता है, देता नहीं, लेता नहीं, देता 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 बस। तो ये बात है जो लोगों को खींच के लाती है। मैं तो आपको 3 साल पहले मिला था, मैं कभी आपको भूला नहीं, और मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ आपको सलामी देके, आप कुछ बताइए ना, आप अपने जबान में हुजूर के बारे में कुछ बता दिए था कि लोगों को पता चले। मैं बताऊँ, मेरा बच्चा बताए नहीं, आप बताइए अपनी जानशीनी का मकाम अता फरमाया और अपना दस्तारबंदी की। और जब मेरा वक्त आया तो मेरे वालिद बुजुर्गवार शेख मोहम्मद जफर रबी वाले रहमतुल्लाह ने अपने तमाम भाइयों को, अपने खानदान वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुलमेदारों को इकट्ठा किया और मेरे ऊपर सबके सामने, सबके रूबरू, सबको बहा कर मेरे पति सर पर अपने दर्जी मुकदस से बांधी। और उसके बाद में 1999 में आपका साथ मिला, मेरी सरकार मदार के बाद में खादम उदरपुर से लेकर मेरी सोलवी पुश है, और मेरे बाद में मेरे साथ जाते सैयद मोहम्मद इस 70वीं पुश, मेरे बाद मेरे बड़े साहब आप सैयद सफर मुची, ये मकान ये तख्त जानशीनी का तख्त जो है उस पर आप जलवा फोज होते हैं, तो मैं हूँ आपका साया हमारे सर पर है, और हम आपको मोहब्बत करते हैं, मुझे पता है सर, ये जानशीनी का मकबरा है जो अभी तक चला रहा है, बाकी खानपा का जानशीनी होता है, और मकरपुर में शायदा मकरपुर के जो हमारे नस्ल के लोग हैं वो शहजादा खान कहने के हकदार हैं। जानशीन खान का एक मस्जिद का इमाम है, थाने का इंस्पेक्टर है, सीओ है, एसडीएम है, डीएम है, तहसीलदार है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति जानशीन है, मदार पाक का जानशीन सिर्फ मैं हूँ सैयद मोहम्मद मुजीबुल बाकी, बाकी शहजादा खान मकरपुर है। बाकी साहब आप जिस तरह से कंट्रोल किए हुए हो स्पिरिचुअली और
स्पिरिचुअली वर्ल्डली अलग लोग ना आपसे बात है, आप सिर्फ स्टैम्प पेपर नहीं हो, अब रबर स्टैम्प नहीं। कभी आपके पास आया नहीं इतना, लेकिन अब ना अब मैं भी क्या हूँ, अभी खानदान से आता, मैं मौलाई हूँ, देख रहा क्या, तो मैं आपको समझ जाता हूँ। और जिस तरह से आपने मलंगान जो सबको इकट्ठा करके जोड़ के रखा है, जो सभी को आपके लग रहा है, टूट नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तैयार होगा मेरा बच्चा, मेरे 5-6 बच्चे हैं जो तैयार होने में तैयार कर रहा है। दोस्तों दोस्तों चले जाओ, तैयार कर दिया अच्छा किया। और भी मेरे पास एक ये मलंग है मुनव्वर शाहमदानी, इनको मैं तैयार कर रहा हूँ। और इस तरीके से मेरे पास 6-7 बाल के हैं, तो मैं इनको तैयार कर रहा हूँ, मैं इनको खुद अपना जाति मलंग बना रहा हूँ।